श्रीकांत अज के इस प्रोग्राम में असी चर्चा करांगे कि देह रोगता अते नाम संबंध का की ताल्लुक है, कि इन्हों का कोई रिलेशन बनता है। और साढ़े नाल हन इंटरनेशनल लैवल के स्पोर्ट्समैन प्रोफेसर रजिंदर सिंह, जेडे कि रिटायर्ड HOD GGL खालसा कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन तो सेवा निभा के अजक गुरुद्वारा के कथा के संगत के उत्ते सेवा निभा रहे हैं। प्रोफेसर साहब सब दसेंगे कि रिलीजन और सेहत का की ताल्लुक है, कि इन साइंटिफिकली की बेसिस हैं इसकियाँ, और इसके बारे आप किमें सोच सकते हो, और इसकी सिमरन के नाल की बेनीफिट्स होते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हरप्रीत जी, तुम बहुत ही एक वैलिड सवाल किया है। साढ़े जो धर्म ग्रंथ ने उन्होंने बहुत ज्ञान है, उन्होंने बट इट इज ट्रेजडी विद द ह्यूमन बीइंग्स, इनू असी बहुत पूर्वली असी अंडरस्टैंड किया उस ज्ञान, और जब तक असी उस ज्ञान को मेडिकल साइंस के नाल नहीं जोड़ते, मैं नहीं समझता कि असी कोई होलिस्टिक हैल्थ की कोई अप्रोच या असी ह्यूमन हैल्थ को ठीक कर सकेंगे। क्योंकि अज जो टाइम है ये हो रहा है, मेडिकल साइंस तरक्की तो बहुत कर रही है, लेकिन उसे जो कमर्शियल इंटरेस्ट आ जाते हैं तो फिर उत्थे हेल्थ पिछे हो जाती है, तो पैसा अगे आ जाता है। और साढ़े जो धर्म ग्रंथ ने भावे वह गीता है, भावे गुरु ग्रंथ साहब है, बाइबल में भी काफ़ी कुछ मिलता है, खाण बारे पीने बारे, जीवन च कि जीना है, सू टेंशन फ्री कि रहना है, सोना कि है, खाना कि बारे बहुत सारा ज्ञान है। लेकिन वास्ते कदे कोई यह सिंसियर एफर्ट नहीं होया। हाँ, जो एफर्ट कित हो भी है तो जो अस कह दें कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जो ने ज्ञान का सागर ने, उसमें वक् वक् जो फील्ड के एक्सपर्ट आए, जिन्हें कोई हिस्ट्री का आया तो उन्हें हिस्टोरिकल गल लगियाँ, जो कोई म्यूजिक का एक्सपर्ट आया तो उन्हें म्यूजिक न रिलेटेड उस ज्ञान लभ्या, और जो कोई बंदा साइंस का आया, बायोलॉजी का आया, उन्हें बायोलॉजी के रिगार्डिंग उस ज्ञान लभण की कोशिश की। सो मेरा जो फील्ड से डॉक्टर साहब वो फिजिकल एजुकेशन है, और मैं समझदा कि एक यही फील्ड से जो बहुत जरूरी सी, और इस फील्ड में सब तो ज़्यादा इग्नोर किया गया। अज तक शरीरिक शरीर न संबंध रखने वाला जो ज्ञान से गुरु ग्रंथ साहब से वो बारे कितने कोई गल नहीं की गई होगी। जुड़ते हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जो ने या होर जिन्हें भी धर्म ने सारे के सारे जो धर्म ने मेडिटेशन से जोर देंगे, ध्यान से जोर देंगे, तो गुरबाणी से उन्होंने सिमरन कह दें। और साढ़े गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज से करीब 21,000 बार सिमरन करने कहा गया है, लेकिन वो जो पक्ष है वह गुरुद्वारों में या साड़िया जिहड़ियां कमेटियां ने या होर जिते भी कितने कोई गल हुंदी है असी उसनों बिल्कुल इग्नोर कर दिता गया है। और सिमरन जिहड़ा है वह एक साढ़े गुरुआं ने इंसान के शरीर दीआं लोड़ां नूं देख के, जिवें अज असीं साइंटिफिक लोड़ जिहड़ी देखदे हां शरीर की असीं उह पूरी करन की कोशिश करते हैं, तो इस तरह ही गुरुआं ने और साढ़े जिहड़े रिशि मुनि सी उन्होंने जदों साढ़े शरीर दीआं लोड़ां नूं देखिया तो उन्होंने लोड़ां नूं पूरीआं करन दे लई उन्होंने सिमरन करन ते जोर दिता। वो किस तरह होया, देखो एक दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक ने डॉक्टर AC गोइटा, उन्होंने जी बुक है दैट इज मस्ट फॉर एवरी MBBS स्टूडेंट अराउंड द ग्लोब, हूँ बुक च की कह रहे हैं, वो कहते हैं ऑल द पेन्स सफरिंग एंड डिजीज इन द ह्यूमन बॉडी आर कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशंसी ऑफ ऑक्सीजन। हूँ दूजे पास गुरबाणी की कहती है, वो भी इस चीज में कहती है, लेकिन गुरुआ के शब्द वखरे ने, साइंस के शब्द वखरे ने, और उन्होंने कितने सिंसियरली जोड़न का एफर्ट नहीं होया, जिहड़ा कि डॉक्टर साहब तुहाडी मदद नाल मैं शब्दों को आपस में जोड़न की कोशिश करांगे। आपां वो किस तरह हैगा कि जिहड़ी हुण साइंस ने गल कहती कि सारिया जिहड़ियां लोड़ां ने इस इंसान के शरीर दीआं वो ऑक्सीजन पूरी करती है, और यह गल है भी सच है, जदों इंसान बहुत ज़्यादा सिक हो जाता है, हॉस्पिटल जाता है, जदों मरण करा रहे हुंदा है तो उन्हें ऑक्सीजन लाई जाती है, और जे किसी इंसान की ऑक्सीजन जिहड़ी घट जाए बीमार हो जाता है, सैल के ऑक्सीजन घटे तो डॉक्टर ऑटो वार्डर जिन्होंने
ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1931 ਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਔਰ 44 ਚ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਨੀ ਅਨਰੋਬਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਕੰਸ਼ੀਅਸ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਬਰੀਦਿੰਗ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਬਰੀਦਿੰਗ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਲਈਏ, ਓਨਾ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਹੋਏ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 20-25% ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਹੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਰੀਦਿੰਗ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਘਟਣਗੇ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੌਕਸਿਨ ਸੜ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਉਨੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਉਨਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸਹਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਜਾਗਣ, ਸਹਿਜੇ ਸੋਏ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਤਾ, ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ, ਸਹਿਜ ਵਿਯੋਗ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਜਪਣਾ, ਸਹਿਜੇ ਚੁੱਪ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਹੱਸਣਾ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਬੂਟਾ ਲਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਬੂਟਾ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਪਾੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਕ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਲੇਟ ਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਚ 15-17 ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਚ 24,000 ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 24,000 ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੂਸਾਈਡਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਦਿੰਗ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਟਦਾ ਘਟਦਾ ਜੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀਦਿੰਗ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 1 ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰੀਦਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬਰੀਦਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਰੀਦ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਰਿਟੇਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਇਨ ਦਾ ਕੈਪਲਰੀਜ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਲਰੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ, ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕੈਪਲਰੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨਾਲੋਂ ਡਿਟੈਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਰੀਦਿੰਗ ਰੇਟ 1 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 16 ਵਾਰੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਲਈ ਕੈਪਲਰੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਲਰੀ 'ਚ ਰਿਟੇਨ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਟੇਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਆਰ ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਉੱਥੇ ਡਿਟੈਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਭ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬਰੀਦਿੰਗ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੇ 1 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ 1 ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ। ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਪੀ ਬਟਾਇਕੋ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਲੰਡਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ,
और इन्होंने ब्रीदिंग के ऊपर दुनिया से सब तो बेहतरीन काम किया है। और इन्होंने जो चार्ट ने वो दसते हैं कि जिन्ना असं ब्रीदिंग रेट को स्लो करते जाने उन्ना ही कंपैटिवली ऑक्सीजन की जी चार्जिंग है सैल च वधी जाती है। हम सैल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे जो बॉडी का पावर हाउस है, जो जिनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उन्ना ही उत्थे सानू ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उन्ना ही असं फूड घट कंज्यूम करा उन्ना ही साड़ी जी ऑक्सीजन जी एनर्जी की जी प्रोडक्शन है वह वध जाएगी, जिड़ी के बहुत ही प्योर ऑक्सीजन होएगी सॉरी बहुत जी उगी एनर्जी प्योर होएगी। जिमें अजक असी अपन कारा के टर्बो चार्जर के नाल असी ऑक्सीजन वधाती सिलेंडर के अंदर विद प्रैशर ऑफ टर्बो चार्जर तो उत्थे असी थोड़े जे फ्यूल नाल ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर लिया कर लें। जिमें कि अज तो इस 60-70 साल पहला की गल करिए कारा एक लीटर नाल एक किलो एक मील ही कर दी सी, लेकिन अज उ कारा ने साड़िया उस स्पीड नो कई गुणा वध स्पीड उस पावर नो कई गुणा वध पावर, लेकिन फ्यूल की कंजम्पशन अगे नो 10 गुणा घट गई और पावर अगे नो 15 गुणा वध गई। दिस सेम कैन बी डन विद द ह्यूमन बॉडी, असं जो बॉडी की ऑक्सीजन घटावे सिलेंडर के नाल असं अपना फूड घटावे, फूड घटने के होगा जिड़िया साड़ी बीमारियां ने जिवें शूगर है कैंसर है या हार्ट की प्रॉब्लम्स ने ब्लॉकेज हैगी जी साड़ी हैगी है ये सारिया बीमारियां जिहड़ियां हैगियां ऑस्टियोपोरोसिस है यानी कि जिन्नियां भी शरीर दी बीमारियां ने वो घटनियां शुरू हो जाएगियां क्योंकि बॉडी की ऑक्सीजन वध गई और प्योर एनर्जी बॉडी च पैदा होने लग पई, बहुत कंसंट्रेशन साड़ी वध जाएगी और शरीर के सारे रोग मुक जाएंगे। और इहनूं गुरबाणी की कहती है सर्व रोग का औखद नाम, जिवें साइंटिस्ट ने कहा ना कि ऑल द पेन्स सफरिंग एंड डिजीजेज इन द ह्यूमन बॉडी आर कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो साइंटिस्ट कह रहा है वो भी गुरबाणी कह रही है सर्व रोग का औखद नाम। उत्थे की क्या साइंटिस्ट ने कि ऑक्सीजन की घाट होकर सारा कुछ होया, तो जो असं नाम लेने तो सारे रोगों का निवारण हो जाता है। गुरबाणी कहती है सर्व रोग का औखद नाम, औखद कहते हैं दवाई नहीं, सारे रोगों की दवाई नाम है। क्यों नाम है? क्योंकि नाम के नाल साड़ी जिहड़ी बॉडी की ऑक्सीजन का लैवल जिहड़ा है वो बहुत वध जाएगा, सैल च ऑक्सीजन वध जाएगी तो जो ऑक्सीजन वधेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, टॉक्सिन सड़ देगा, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, फिर सानू किसी नशे की लोड़ नहीं, किसी चीज की सानू होर लोड़ नहीं, किसी दवाई की लोड़ नहीं और इंसान जिहड़ा है निरोग हो जाएगा। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, तुसी दस्या कि जो ऑक्सीजन के लैवल्स वधते हैं सिमरन के नाल वधते हैं तो उसका शरीर को फायदा होता है और उस फायदे नाल देहरी रोगता पाई जा सकती है और सानू पानी भी चाहिए है। अगले मुलाकात च असीं पुछांगे कि सिमरन का सही तरीका और ये किवें कीता जा सकता और कदों और कितना जरूरी है। असीं इस जिहड़ा असीं शुरू कीता है इहदे माध्यम दे नाल असीं सारी दुनिया दे विच इह मैसेज देना चाहांगे कि तुसीं जिस भी धर्म नूं मंनदे हो, तुसीं हिंदू हो सिख हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो जैनी हो तुसीं जिथे भी हो तुसीं अपने धर्म नूं सही तरीके नाल मन्नो, उस अपने धर्म दे शब्द दे नाल जुड़ के और तुसीं अपने ब्रीदिंग रेट नूं घटा के और अपने रोग मुकाओ और इस दुनिया च आए हो अपने जीवन में सफर करो। सो डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं मैनूं अज इस चैनल ते अपने ते बोलन दा मौका दिता और आस है तुसीं फिर इस आपां इस कम्म नूं अग्गे वधावांगे जिन्ना दुनिया दा भला होएगा रोग लोकां दे मुकणगे। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद।